सदस्यों का शपथ ग्रहण आज लखनऊ में शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। लखीमपुर हिंसा मामले में आज कोर्ट में पेशी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी अदालत में होंगे पेश। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से, सेकेंड टर्म एग्जाम में परीक्षार्थी शामिल। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, बीते 24 घंटे में आए 2000 से ज्यादा मामले, 15000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। यूपी में भाजपा की दोबारा सरकार बनने के बाद एंटी रोमियो को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। इसी कड़ी में मथुरा जनपद के बीएससी कॉलेज के पास एंटी रोमियो टीम ने अभियान चलाया, जहां महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी और किसी भी परिस्थिति में पुलिस की सहायता लेने की बात कही। उषा चौधरी, किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? बीएससी। अच्छा, अभी यहाँ एंटी रोमियो टीम आई थी, क्या समझाया उन्होंने आपको? हमको मैम ने बताया है कि हमको मतलब किसी भी अननोन व्यक्ति से बात नहीं करनी और हमको अपनी फोटो वगैरह कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं भेजनी और हमको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अपने कॉलेज में बता सकते हैं, नहीं तो मैम के पास हम कॉल कर सकते हैं। 1090 हेल्पलाइन नंबर जो है। कैसा लगा आपको आपके लिए समझा करके? मैम बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ कैसे बैठे थे? ऐसे बैठे थे, गर्मी वगैरह बनवा रहे थे। अभी ये एंटी रोमियो टीम आई है, क्या समझाया आपको? यहाँ पे ऐसे बैठना नहीं है और कोई नहीं करनी है। असल में ये शासन प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु ये एंटी रोमियो स्क्वाड टीम गठित की गई है। इसका उद्देश्य मात्र एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं को सुरक्षित करें। महिलाओं को ये जागरूक किया गया कि अगर उनको कोई समस्या हो तो वो 1090 उनकी हेल्पलाइन नंबर बताया, 112 नंबर बताया और 1076 इनके बारे में जानकारी दी। साथ में इनको हमने अपने साइबर क्राइम से संबंधित उनको जानकारी दी कि किस तरह से साइबर क्राइम से वो किन किन माध्यम के द्वारा अपना बचाव कर सकती हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा उद्देश्य है वो सफल रहे, हमारी बच्चियाँ हमारी महिलाएँ सुरक्षित रहें। रायबरेली में जिला प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। यहां आग लगने के कारण नष्ट हुई गेहूं की फसल का मुआवजा दिलवाने को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों के आधार पर अलग अलग विभागों से मुआवजा दिलवाने के प्रावधान है। यही कारण है कि तहसील कर्मियों को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। दरअसल बिजली के तारों से निकली चिंगारी के चलते अगर आग लगी है तो बिजली विभाग मुआवजा देगा, जबकि अन्य कारणों से लगी आग का मुआवजा मंडी परिषद देगा। तो एक खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां आग से नष्ट हुई फसलों पर किसानों को मुआवजा मिलने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिया है। दरअसल जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली के तारों से निकली चिंगारी के कारण अगर किसी के खेतों में आग लगी है तो उसका मुआवजा बिजली विभाग देगा, जबकि अगर अन्य किसी कारणों से किसानों के खेतों में आग लगी है तो उसका मुआवजा मंडी परिषद देगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, जिलाधिकारी के इस निर्देश पर किसानों में कितनी कुछ खुशी देखने को मिली? अजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो अजय, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिलाधिकारी ने जो किसानों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, इसमें किसानों के लिए कितनी राहत भरी खबर सामने आई है? अगर देखी जाए किसानों के लिए बहुत ही बड़ी प्रसन्नता वाली बात है, क्योंकि जो माला श्रीवास्तव डीएम है यहाँ रायबरेली की, उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है। इस निर्णय को लेकर काफी खुशी है लोगों में देखने को मिल रही है। और बता दें कि जिस तरीके से बिजली शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगती है तो सरकारी जो मुआवजा होगा मिलेगा, जो अन्य किसी कारण से लगता है तो वो
कृषि वन मंडी समिति को मिलेगा। इसके लिए टीमें गठित की गई हैं कि जो है अगर पहले जांच की जाएगी किस प्रकार की आग लगी हुई है, क्योंकि लोग यहाँ जो पराली होते हैं उसमें भी आग लगा के बोल देते हैं गेहूं जल गया, तो मौके पर जाकर प्रशासन चेक करेगा कि आग किस आग का प्रकार क्या है, किस प्रकार से आग लगेगी, उस हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। अजय, जांच करने के बाद मुआवजा तकरीबन कितने दिनों बाद किसानों को दे दिया जाएगा? जैसा कि देखा जाएगा तो उन्होंने कहा है बहुत जल्द, लेकिन दिन निर्धारित नहीं किया गया है कितने दिन में दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द करवाया जाएगा ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि जिलाधिकारी के निर्देश पर किसानों में खुशी साफ साफ देखने को मिली कि आखिर जो भी उनका नुकसान हुआ है, जो भी उनकी मेहनत बर्बाद हुई है, उस पर उन्हें मुआवजा मिलेगा। जी जी, इसी पर लगातार जो है खुशियों का लहर देखने मिल रहा है किसानों पे, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल कही जाएगी। धन्यवाद अजय प्रताप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायबरेली जिलाधिकारी की पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहराइच में आने वाले त्योहार में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया है। एसएसपी केशव कुमार चौधरी के निर्देशन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भीड़ को संभालने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज और टियर गैस गन जैसे शस्त्रों के जुड़ी जानकारी साझा करते हुए इस पूरे कारणों से अभ्यास किया है। तो खबर बहराइच से सामने आ रही है जहां आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस अफसरों का बलवा ड्रिल अभ्यास देखने को मिला। इस दौरान तमाम जनपद के पुलिसकर्मी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। खबर सीतापुर से है जहां सिधौली तहसील का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं का शिकार बन चुका है। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड और ओपीडी के साथ साथ पूरे अस्पताल में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में मरीजों के लिए अस्पताल में इलाज करवाना बेहद मुश्किल हो गया है। तो इसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह जिला अस्पताल में गंदगी देखने को मिली, जहां अस्पताल के अंदर कूड़े का अंबार देखने को मिला। वह इस पूरे गंदगी को लेकर मरीज भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं और मरीजों का कहना है कि अगर अस्पताल में ऐसे ही गंदगी का ढेर लगा हुआ मिला तो अस्पताल में इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा। जहां एक तरफ लगातार सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, वहीं एक तरफ ऐसी खबरें सामने आने से ये साफ हो जाता है कि किस तरह जमीनी स्तर पर सरकार के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। खबर रायबरेली के उचाहार तहसील से है जहां एक लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल सरेआम गांव के लोगों से अवैध धन वसूली करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकारी योजना के तहत गरीबों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का लेखपाल पर आरोप है कि अपने निजी फायदे के लिए उसने अब तक 9 अपात्र लोगों को जमीन के पट्टे दिए हैं, जिस पर किसान सालों से किसानी करते आए हैं। तो रायबरेली में एक बार फिर घूसखोर लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह लेखपाल की लापरवाही की वजह से, लेखपाल की घूसखोरी की वजह से अपात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान अंडरपास पर दो बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी जवाब कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया। वहीं इस मामले पर क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से एक बाइक और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। थाना लोनी बॉर्डर के बंथला अंडरपास पर चेकिंग चल रही थी। रात्रि 8 बजे के लगभग दो बदमाश पुलिस की चेकिंग को देख करके बाइक सवार वो भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और दूसरा बदमाश बाइक छोड़ करके भागने लगा। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए दूसरे बदमाश को भी अपने कब्जे में ले लिया। घायल बदमाश का नाम ब्रिजपाल उर्फ बिट्टू
और दूसरा बदमाश गौरव घायल बदमाश को चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों के अपराधी की औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भरसेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में एक अधेड़ का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह इस मामले पर मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक के भाई के सालों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि पुलिस के मुताबिक मृतक का अपने बड़े भाई के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मेरे पिताजी थे। क्या मामला था, कैसे इनकी हत्या हुई है? ये भूसा के बारे में लड़ाई हो गई थी। ये लोग पापा हम तो वहाँ पे दुकान पे चले गए थे। ये मेरे चाचा के 3 साले थे, ये लोग भूसा भरने आए थे। इन लोगों ने हमसे बोला, हम वहाँ पे निकल गए थे दुकान पे, पापा की लड़ाई हो रही थी, दीदी ने हमें आवाज़ दी तो हम वापस आए, तो ये लोग मार मूर के चले गए थे। ये सर्वेश हैं जो भरसेन गाँव के रहने वाले हैं, इनकी डेड बॉडी यहाँ खेत में आज मिली है सुबह सुबह। परिजनों का आरोप है कि आपसी भूसे के बंटवारे की विवाद को लेकर के इनके जो सगे भाई हैं रिंकू, जो गाजियाबाद में कार्यरत हैं, उनके रिश्तेदारों के द्वारा मारपीट कर इनकी हत्या की गई है। सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और जाँच कर आवश्यक। खबर गोरखपुर के कोतवाली इलाके की है, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट होने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि कोचिंग के दौरान छात्रों में एक लड़की को लेकर मारपीट हो गई। मामला बढ़ने पर एक पक्ष से पहुंचे युवक ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें छात्र छात्राओं समेत 3 लोगों को गोली लगने से वो घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। दूसरी ओर बढ़ती भीड़ को देख कर आरोपी मौके से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जिसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अलीगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कौड़ियागंज से सामने आया, जहां व्यापारी अपने बहन के परिवार की शादी के समारोह में गए हुए थे। उसी मौके का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के घर का ताला तोड़कर घर में मौजूद लाखों के गहने और जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। जब व्यापारी अपने घर के पास पहुंचा, तब उसने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारियों में आक्रोश को देकर कड़ी कार्रवाई करने का व्यापारियों को आश्वासन दिया है। घर पे हम कल सिस्टर की शादी करके आए थे आगरा से। आगरा से लौट के आए थे तो देखा हुआ तो अंदर का ताला सब लॉकर फॉकर जीना का ताला ऊपर से सब टूटा हुआ मिला है। लॉकर में से सब चीज़ गायब, नकदी गायब, और यानी कहने का ये गले का सेट है, 4 अंगूठियाँ लेडीज, 3 चेन है, बिछिया थे और तुम्हारे यू शेप में बी शेप में कुंडल थे और गले का सेट था एक तुम्हारे और उसकी चांदी के कुछ आजू चांदी के कुछ आइटम थे, चांदी के सिक्के थे, चांदी की पायल थी, जैसे नगद रुपए 3,90,000 रुपये करीब थे। 3 लाख हों सब सब 3,90,000 या सब 4 हों जो भी हो। ज्वेली कितने रुपए की लगभग? ज्वेली मान लो 150-200 ग्राम कम से कम। गोल्ड? गोल्ड है। हाँ, वारदात के समय घर पे कोई था? कोई नहीं था, सब लोग शादी में? हाँ, सब शादी में गए थे। मौके पे पुलिस प्रशासन आया? मौके पे कौशाम्बी के सराय अकिल कस्बे के एक गेस्ट हाउस में शादी कार्यक्रम के दौरान दुल्हन पक्ष की युवतियों से गेस्ट हाउस कर्मियों के छेड़खानी किए जाने के मामले में बढ़ते विवाद के बीच गेस्ट हाउस मालिक लामबद हो गए और उन्होंने बारातियों पर खूंखार कुत्ता छोड़ दिया, जिसके बाद कुत्ते ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर काटा। लेकिन गेस्ट हाउस मालिक यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने असलहों और लाठी डंडों से लैस होकर शादी में शामिल महिलाओं और बारातियों पर बेरहमी से हमला करके उन्हें घायल हो गया। वह इस पूरे मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वही पीड़ितों के मुताबिक इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
संभल के क्याला देवी थाना के गांव नूरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां आमने सामने से आ रहे दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक के केबिन के परखच्चे उड़ गए। ये भाई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, हमारी गाड़ी ट्रक था और दूसरे का उसका भी ट्रक ही है, आमने सामने भिड़ंत हुई है। कितने बजे घटना है लगभग? ये 2:30-3 बजे करीब तड़के की रात की। मतलब आपके भाई की क्या स्थिति है? यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।